ओके, तो लास्ट लेक्चर जो हम लोग करवाए थे आपको, हम कि सिंपल से बताए थे शोर और पोर का फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है, आता कैसे है। अभी हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीके से देखना चाह रहे हैं कि कैसे होना चाहिए। लाइक मैंने बोला कि जनरल इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है आपका। तो अगर देखा जाए तो बी क्या आपका एक्स का कोएफिशिएंट और ए क्या आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। जैसे आपने माइनस बी बाई लिखा तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली पोर के लिए, अगर शोर की बात हो चुकी है तो पोर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सी बाई ए। पोर मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, शोर मतलब सम ऑफ फ्रूट्स। तो सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत यहाँ पे। अब थोड़ा एक बार जनरली इसको हम क्या करते हैं आपको, हम कि डिग्री तीन चार तक करके दिखाते हैं, ठीक है। उसका सिर्फ आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ताकि इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, खासकर ऐसे क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अल्फा बीटा को रिलेट करके आपको एक टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वहां शोर पोर में कन्वर्ट करने का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। बस एक लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको हम, उसको डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। देख लो, तो हम यहाँ पे दो डिग्री तक देख चुके हैं आपको हम। फर्स्ट डिग्री बताना सब बच्चे, अगर डिग्री वन एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, बताओ एक्स कितना हो जाएगा, डायरेक्टली बोलो माइनस बी बाई ए। एक ही रूट्स बोल देते हैं अल्फा, मान लो बोल लिया दो डिग्री, दो कर ले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो कितना डिग्री हुआ, दो डिग्री। दो डिग्री कौन सा, अल्फा एंड, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो अल्फा बीटा का दो पार्ट निकलता है, शोर एंड, शोर का मतलब क्या अल्फा प्लस, शोर का मतलब अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा माइनस बी बाई ए, और ये क्या होगा सी बाई। ओके, अगर कभी कभी हम फैक्टराइज ना कर पाए, अगर मान लो फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल सा हो गया, बहुत टफ सा हो गया, होना तो आसान है वो तो जाएगा, पर मान लो बहुत टफ हो रहा है, उस केस में क्वाड्रेटिक का जो रामबन फॉर्मूला उसको यूज करें। कौन सा फॉर्मूला याद है, याद करो कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका रूट्स निकालने का दो तरीका था, याद करना, ये था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो बोल देंगे ऐसे में अल्फा इक्वल टू, मान लो बोल दिया माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, एंड बीटा कितना बोल देंगे माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। जहां पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते इसको हम लोग, वे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये कब यूज करना है, ये तब यूज करेंगे जब आपसे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्फा बीटा फैक्टराइज करके निकालते हो आप आंसर ना, जो आंसर अल्फा बीटा का फैक्टराइज करके निकालते हो वही आंसर डायरेक्टली अल्फा बीटा सिस्टम में दे देगा हम लोग। अगर आपसे मान लो फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वैल्यू पुट करो एबीसी का, ठीक है, ए बी सी पुट करने तो आता ही होगा, एबीसी वैल्यू पुट करो, अगर प्लस साइन लेके चलना तो अल्फा हो जाएगा, और माइनस साइन लेके चलना तो बीटा हो जाएगा। बहुत आसान आपके लिए, तो आपको सारा तरीका बता चुके कैसे कैसे निकालना। एक हम डिग्रीज पे तीन और चार डिग्री का देख लेते हैं हम लोग, फिर तो डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं, क्लियर, देखते हैं। तो मान लो मैंने बोला कि डिग्री तीन है, ठीक है, सो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, बताओ डिग्री कितना हुआ, कितना डिग्री हुआ, तीन। रूट्स कितने होंगे, क्या क्या मान ले, अल्फा बीटा एंड, अच्छा पहला चीज मैंने बताया था आपको, एक बार सबको क्या करना निकालने के लिए, टेकन वन एट अ टाइम, याद है, फिर क्या बोले टेकन टू एट अ टाइम, फिर टेकन थ्री एट अ टाइम। कहने का मतलब ये हुआ रूट्स निकालने का तरीका ऐसा होता है, पहला तरीका बोलेंगे रूट्स को सबको एक बार लो, टेकन वन एट अ टाइम, टेकन वन एट अ टाइम, मतलब हर रूट्स को एक बार लेकर चलना। तो देखो तीन रूट्स है ना, अल्फा को एक बार, बीटा को एक बार और गामा को भी, और सब में प्लस साइन लगा दो, सब में कोई दिक्कत। अच्छा अब ये बताओ, अगर बात समझना, अगर जितनी बार आप ले रहे हो वो चीज ऑड है, वो क्या आपका है, तो याद रखना स्टार्ट माइनस से होगा, स्टार्ट कैसे होगा बताओ, टेकन वन एट टाइम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बात समझना कैसे, स्टार्ट यहां से करना, ठीक है, स्टार्ट ए से करना, तो वन मतलब एक आगे जम्प करो, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे एग्जाम करके बी पे। अब मैंने क्या बोला ऑड होगा तो क्या आएगा पहले, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए, चमका। सेकेंड पार्ट, अगर मैंने बोला टेकन टू एट अ टाइम, तो टेकन टू एट अ टाइम लेना हम लोगों को, देखो चेक करो अच्छे से, अगर मैंने बोला जितनी बार आप ले रहे हो ना, अगर ऑड हुआ तो माइनस स्टार्ट करना, और इवन हुआ तो ऊपर पहले प्लस आएगा और नीचे आपका प्लस ही रहेगा, ठीक है। नाउ एक काम करो, यहां से स्टार्ट करना दो बार, एक एंड दो हो गया, तो कहां पहुंचे सी पे, ऊपर सी आएगा नीचे क्या आएगा ए, अगर इवन रहा तो प्लस, ऑड रहा तो नेगेटिव। अच्छा नेक्स्ट, टेकन थ्री एट अ टाइम, टेकन, और जितनी बार रूट्स रहेगा ना
जितना रूट्स होगा उतना ही बार लेना है, लाइक चार रूट्स वाला टेकन 4 टाइम जाएगा, दो रूट्स वाला टेकन 2 टाइम जाएगा, तीन रूट्स यहाँ बनेगा, डिग्री जितना होगा उतनी बार हम लोग को लेना है। तो यहाँ डिग्री कितना आपका है 3, तो टेकन 3 टाइम आपका लास्ट रहेगा, दो कैसे, तो तीनों को एक साथ देना आपको, ठीक है। पहले यहाँ लिख लो कैसे होगा, टेकन 2 टाइम, ध्यान सुना, टेकन 2 टाइम का मतलब ये हुआ हर रूट्स को दो बार लो, रूट्स को दो बार लो, पहले क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर क्या होगा बीटा गामा, फिर क्या होगा गामा, फिर सब में प्लस साइन लगा दो, फिर सब में लाओ, दो था तो दो आगे बढ़े, एक दो क्या हो जाएगा सी बाई। ये आपका बेसिक तरीका है लिखने का रूट्स को लेकर। नाउ टेकन 3 एट अ टाइम, तो तीनों को एक साथ देना, तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा, क्या 3 मतलब ऑड, 3 मतलब तो पक्का पहले माइनस ही आएगा ऊपर की तरफ, क्या आएगा आपका माइनस, तीन लो आगे तो एक दो तीन क्या आएगा माइनस डी बाई, चमका माइनस डी बाई ए, कोई दिक्कत यहां पे। अगर आपको बोला जाए कि आप एक इक्वेशन लिखकर दिखाओ मुझे, हम डायरेक्टली करेंगे यहां पे, एक्स का पावर 4 बी एक्स का पावर 3 सी एक्स का पावर 2 डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, बताओ सब बच्चे रूट्स कितने आएंगे, कितने रूट्स आएंगे, कौन सा अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, बोलो बच्चे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, हम डायरेक्टली कर ले, टेकन वन एट अ टाइम, बोलो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, क्या वन एट अ टाइम मतलब ऑड हुआ, ऑड मतलब नेगेटिव हुआ, बताओ नेगेटिव एक आगे बढ़े क्या क्या आएगा माइनस बी बाई, चलो टेकन टू एट टाइम, हर रूट्स को दो बार लो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा बीटा, टेकन टू एट टाइम, दो आगे बढ़ते हैं, एक दो कितना हो गया, अच्छा एक और है कौन सा, अच्छा अल्फा, हाँ ठीक है, डेल्टा अल्फा, चलो ध्यान दो, टेकन टू ए टाइम, दो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया ये रहा, तो एक एंड दो क्या हो जाएगा सी बाई, वो दिक्कत। अब टेकन थ्री ए टाइम, सबको तीन बार लो, क्या होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा, और कुछ है देख लो चेक कर लो, और कुछ है तो कितना, तीन बार ना, तीन आगे बढ़ो, तो एक दो तीन, तीन मतलब ऑड आएगा माइनस डी बाई ए। अब टेकन ऑल एट अ टाइम या फोर एट अ टाइम, सबको एक साथ क्या होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चार आगे बढ़ो, एक दो तीन चार, चार क्या इवेन है क्या ई बाई, क्या सब बच्चों के पास चमका अच्छे से, किसी बच्चों को लॉजिक में डाउट है, मतलब रूट्स कितना भी दे दे डिग्रीज कितना भी दे फर्क नहीं पड़ता, हमें सोर पोर के अलावा बाकी चीज भी निकालने आना चाहिए, हमको डाउट है कहां पे डेल्टा नहीं आया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा और डेल्टा अल्फा बीटा, हाँ गुड, एक और आएगा डेल्टा अल्फा एंड बीटा इक्वल टू तीन था ना माइनस डी बाई ए, हाँ वेरी गुड, तो ये माइनर मिस्टेक था, आप यहाँ चेक कर सकते हो, तो आपको बस ध्यान रखना है इस बात का कि जितनी बार रूट्स लेंगे ठीक है उतनी बार रूट्स को आपको वन एट ए टाइम टू एट ए टाइम एंड थ्री एट टाइम लेकर चलना, डाउट किसी बच्चों के यहाँ पे है तो बोल दो डायरेक्टली। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और खासकर जितने रूट्स टाइप बनेंगे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान रखना इस बात का, अगर मैंने बोला कि सोर गिवेन है पोर गिवेन है बट डायरेक्टली गिवेन नहीं है, लाइक अल्फा बीटा के टर्म में गिवेन तो जरूर है, आपको अल्फा नहीं पता आपको बीटा नहीं पता इक्वेशन पता है, बट आपको ये पता कि अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हो, बट उसका इक्वेशन पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है।